यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि आवाजापुर निवासी राजदीप सिंह बसपा से जिला पंचायत से अधिकृत प्रत्याशी थे, लेकिन यहां की दलित बस्ती का वोट उन्हें नहीं मिला और चुनाव भी हार गए। जिसके बाद आज वह गांव से गुजर रहे थे। इस दौरान दलित बस्ती के लोगों को चुटीले अंदाज नमस्कार करते हुए वहां से जाने लगे। उनके इस अंदाज पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। इस कहासुनी के दौरान दोनों पक्षों के लोग मौके पर जुट गए और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस दौरान 19 लोग घायल हो गए। वहीं 3 गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं मारपीट की घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस भी लोगों के सामने बेबस नजर आई। पुलिस लोगों को समझाने में जुटी रही, लेकिन लोग मानने की बजाय पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चलाते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए CO सकलडीहा समेत कई थानों की फोर्स पहुंच गई और मामले को संभाला। साथ ही घटना में घायल लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ PAC तैनात कर दी गई है।